जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। फ्यूचर ड्रॉफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन करंट अफेयर्स को लेकर के चल रहे थे और उसमें आगे का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान का करंट अफेयर्स की अगर अपना बातें करते हैं, तो राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आदि महाउत्सव। आदि सिर्फ कुछ बातें ध्यान में रखनी है, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है ये इंपॉर्टेंट है, तो कोटड़ा उदयपुर में मनाया गया, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, कोटड़ा तहसील है उदयपुर की। वैसे तो आदि महोत्सव है, उसमें क्या है कि प्राचीन नृत्यों वगैरह का उनका आयोजन किया गया और जो जो थे आदिवासियों के उससे रिलेटेड है। तो आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत मनाया गया। और वैसे भी उदयपुर में क्या है कि इस क्षेत्र के लिए विख्यात है। आगे अगर अपन बात करें तो इसमें कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी वितरण योजना एक है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, इसके अंतर्गत थोड़ा कुछ इसके जो नियम थे उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, परंतु वो नियम संशोधन वाले इतना इंपॉर्टेंट ना होकर के ये इंपॉर्टेंट है कि ये योजना कब स्टार्ट है की गई। तो ये 1 2010 को शुरुआत इसकी की गई। आगे और अपन बात करते हैं, एक आता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको अपन कहते हैं सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग योजना। ये जो है ये क्या है कि भारत में असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करते हैं। तो इस MSME के तहत नई नीति लाई गई है, MSME नीति राजस्थान में लाई गई है। ये सब अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये सब राजस्थान की है। MSME नीति लाई गई है, कब लाई गई है? 2022 में। एक तो यह ध्यान रखना है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि यह कब लाई गई इसकी दिनांक भी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम चीज में दिनांक इंपॉर्टेंट होती है, इस योजना के अंतर्गत भी दिनांक इंपॉर्टेंट है और इसमें भी दिनांक इंपॉर्टेंट है। तो यह 17 सितंबर 2022 को लाई गई, 17 सितंबर 2022 को। इसका उद्घाटन किसने किया? शकुंतला रावत जो वाणिज्य मंत्री है उसने किया उद्घाटन। शकुंतला रावत राजस्थान के वाणिज्य मंत्री है, मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसमें सिर्फ इतने याद रखने हैं, एमएसएमई क्या है, इसकी मतलब परिभाषा क्या है, वो चीजें ना ध्यान रखें अपने। एमएसएमई नीति राजस्थान में कब लाई गई ये दिनांक 100% याद रखनी है, 17 सितंबर 2022 को। और असंगठित क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा रोजगार है एमएसएमई के द्वारा मिलता है। एक महत्वपूर्ण एक योजना और है जिसके अंतर्गत 100% आना ही आना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे मनरेगा है उसकी तर्ज पर है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? तर्ज इसकी मनरेगा है। मनरेगा तो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है, और यह जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना यह कहां पर कराता है? यह क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा? शहरी। इसमें 100 दिन का रोजगार है और इसमें भी 100 दिन का गारंटेड रोजगार है, 100 दिन का गारंटेड है, इसमें रोजगार है। ये पूरे राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में संचालित है, और यह संचालित कहां होगा? 216 शहरी निकायों में, शहरी निकायों में ये संचालित है।
होगा। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है कि ये कब लागू की गई और कहां से इसकी घोषणा की गई। तो ये 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई, 9 सितंबर, 9 सितंबर 2022 से। कहां से स्टार्ट की गई है? जयपुर से स्टार्ट है की गई है। खानिया की बावड़ी एक स्थान आता है, खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी, खानिया के बावड़ी नामक स्थान से यह स्टार्ट की गई है। और यह 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण बावड़ी है, ऐतिहासिक धरोहर भी इसको उसको कह सकते हैं। खानिया की बावड़ी कहां पड़ती है? जयपुर में। और यह आगरा रोड पर पड़ती है, जयपुर आगरा रोड के ऊपर यह पड़ती है। और यह शहरी निकायों में इसकी शुरुआत है की गई, खानिया की बावड़ी से शुरुआत की गई 18वीं सदी में। 9 सितंबर 2022 को 216 शहरी निकायों में मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आयु यानी कितने से कितने वर्ष की आयु को रोजगार दिया जाएगा। आयु है वो 18 से लेकर के 60 वर्ष तक जो भी बेरोजगार है उनको इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान है किया जाएगा। और इसमें 3 कैटेगरी बांटी गई है, कुशल, अकुशल, कुशल और मेट। उनको जो रोजगार दिया जाएगा उसमें क्या है कि उनकी दिहाड़ी जिसको कह सकते हैं पारिश्रमिक, वो अलग अलग दिया जाएगा। तो सबसे पहले पर बात करते हैं, अकुशल को 259 रुपए दिए जाएंगे, 259 रुपए अकुशल को दिए जाएंगे, 271 रुपए मेट को दिए जाएंगे और कुशल को दिए जाएंगे 283 रुपए। 271 और 283 रुपए कुशल श्रमिक को दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तो प्रश्न आना ही आना है, इसको तो 100% रट्टा मारने की आवश्यकता है ही है। और ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो अपने को इस योजना के बारे में तो 100% याद है करना ही पड़ेगा। और यहां से प्रश्न आने की 100% संभावना है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना क्या है। तो शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराती है, किसकी तर्ज पर है? मनरेगा की तर्ज पर है। कहां पर है? ग्रामीण इलाकों में ना होकर के शहरी इलाकों में है। कितने शहरी निकायों में है? 216 शहरी निकायों में है। कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा? 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। कहां से इसकी शुरुआत की गई? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी, जो 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण बावड़ी है। बावड़ी किसे कहते हैं? सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं। जयपुर से इसकी स्टार्ट की गई और ये खानिया की बावड़ी जयपुर आगरा रोड पर है। और आयु कितनी है? 18 से 60 वर्ष के बेरोजगार युवकों को, जो भी बेरोजगार है उसको मांगने पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। अकुशल श्रमिक को 259 रुपए और कुशल श्रमिक को 283 रुपए और मेट को 271 रुपए इसके अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। आगे आगे अपन बात करते हैं, राजीव गांधी जल संचय योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना, इसका क्या है कि सेकेंड चरण की शुरुआत की गई है। सेकेंड चरण की शुरुआत कब की गई है? सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में राजीव गांधी जल संचय योजना है, जो ग्रामीण इलाकों में भूजल के संचय को बढ़ावा देती है, इसकी सेकेंड चरण की भी शुरुआत की गई है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना है, उसके अंतर्गत राजस्थान के 2 शिक्षकों को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति विशेष में आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के किन 2 व्यक्तियों को मिला है यह मायने रखता है, और किस क्षेत्र में मिला है? तो इसमें एक तो मिला है दुर्गाराम मुवाल, दुर्गाराम, दुर्गाराम मुवाल जो उदयपुर के रहने वाले हैं। और किस क्षेत्र में मिला है? आदिवासियों को जागृत करने के लिए, आदिवासियों को शिक्षा के प्रति जागृत जागृत करने के लिए, आदिवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मिला है। और एक मिला है सुश्री सुनीता गुलाटी को, 2 ये नाम याद रखने हैं, सुश्री सुनीता
गुलाटी और ये बीकानेर की है। और इसको किस लिए मिला है कि ये मूक बधिर जो लड़के हैं, मूक बधिर है जो जो मतलब मूक और बधिर लड़के और लड़कियां, उनको जागरूकता और उनकी शिक्षा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में राजस्थान के दो लोग हैं, दुर्गाराम मुहाल और सुश्री सुनीता गुलाटी बीकानेर की, और इनको मिला है मूक बधिर के लिए। यानी गूंगे और बहरे जो है उनको शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है, डिजिटल मतलब जिस प्रकार से अपन पढ़ा रहे हैं वो भी एक डिजिटल की श्रेणी में आता है। तो डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया राजस्थान में? डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम, डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है उसको राजस्थान में क्या नाम है दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसमें नाम याद रखना है कि राजस्थान में जो डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है उसको क्या कहा गया है, इसको मिशन बुनियाद कहा गया है। मिशन बुनियाद, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन बुनियाद क्या है, तो ये राजस्थान का एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसको क्या नाम दिया गया है, मिशन बुनियाद नाम दिया गया है कि जड़ों से जोड़ना और जो मूलभूत है उसके बारे में बताना। ये मिशन बुनियाद है शिक्षा के बारे में, मूलभूत शिक्षा क्या है उसके बारे में बताना। एक आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, पुणे में एक युवा की संगोष्ठी आयोजित की गई, उसमें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी है, उनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष घोषित किया गया है। सीपी जोशी को पुणे में एक संगोष्ठी आयोजित हुई उसमें, तो यह सिर्फ ध्यान में रखना है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। सीपी जोशी अपने को इंपॉर्टेंट है ही है, और इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का खिताब दिया गया है। एक है राजस्थान में पेट्रो जोन की शुरुआत कहां की गई है? राजस्थान में पेट्रो जोन, कहां पर शुरुआत की गई है? तो पंचपदरा बाड़मेर में, जहां पर रिफाइनरी भी लगाई जा रही है, पंचपदरा बाड़मेर में राजस्थान में पेट्रो जोन की शुरुआत की गई है। आगे और अपन इसी में बात करते हैं राजस्थान के बारे में। एक डीबीटी योजना है, डीबीटी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, जिसके अंतर्गत क्या है कि अनुदान की राशि क्या है कि सीधी खाते में आती है। तो डीबीटी योजना में राजस्थान की रैंक कौन सी है, ये ध्यान रखना है। रैंक राजस्थान की इसमें चौथी रैंक है, ओवरऑल इंडिया में आई है, यह ध्यान रखना है। एक मिशन तहसील चलाया गया है, मिशन तहसील, मिशन तहसील जो चलाया गया है वो 392 तहसीलों में चलाया गया है, 392 तहसीलों में, और किसके लिए चलाया गया है? दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। यानी हर तहसील पे कैंप लगाया जाएगा और जिसके अंतर्गत क्या है कि दिव्यांगजनों की जो भी समस्या है उनको बारे में सुना जाएगा। तो मिशन प्रश्न यही बनेगा कि मिशन तहसील क्या है, तो ये दिव्यांगों के बारे में है। आगे और अपन बात करते हैं कि एक आबा नेरी महोत्सव मनाया गया है। वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन है परंतु ये ऐतिहासिक क्वेश्चन में भी आ सकता है। आबा नेरी महोत्सव, तो आबा नेरी कहां पड़ता है? बांदीकुई में पड़ता है, बांदीकुई दोसा में पड़ता है। और किसके द्वारा बनाया गया है? पर्यटन विभाग द्वारा। आबा नेरी महोत्सव 2022 पर्यटन विभाग द्वारा मनाया गया है। और किस लिए बनाया गया है? कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और धरोहर है उनके बारे में लोगों को जागरूकता लाने के लिए बनाया गया है। तो आबा नेरी क्यों फेमस है?
चांद बावड़ी के लिए फेमस है, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी के लिए फेमस है। बावड़ी किसे कहते हैं, सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं चांद बावड़ी। चांद वैसे महीर भोज का एक नाम चांद भी था, ये किसने बनवाई थी, महीर भोज ने। महीर भोज जो गुजर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था, तो चांद बावड़ी का निर्माण महीर भोज ने करवाया था, और महीर भोज का एक नाम चांद आता है, तो इसलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व दूध सम्मेलन, विश्व दुग्ध सम्मेलन या डेयरी सम्मेलन कह सकते हैं इसको, डेयरी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, नोएडा में, नोएडा में आयोजित किया गया। और पूरे भारत का विश्व के दूध उत्पादन में 23% योगदान है, और उसमें सबसे अधिक यूपी का है जिसका 14.56 है, और दूसरा सेकंड स्थान किसका आता है, राजस्थान का आता है जो 14.38 के लगभग है, दूध उत्पादन है पूरे भारत का करता है, तो यह भी राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हो जाएगा। अब आगे पर राजस्थान से लगभग करंट अफेयर्स की जितनी भी बातें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर अपन बात करते हैं पुरस्कार के बारे में, पुरस्कार नियुक्ति मृत्यु ये कुछ व्यक्तित्व के बारे में है, खेल खेल का खेल को थोड़ा अलग से टॉपिक में ले लेंगे। तो पुरस्कार के बारे में अगर बात करते हैं तो आगे अपन बात करते हैं पुरस्कार। तो पुरस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के सिनेमा जगत के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, तो दादा साहब फाल्के की स्मृति के अंतर्गत है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वो 2022 में दिया जा रहा है। और ये दादा साहब फाल्के कौन सा पुरस्कार है, 52वां, कब दिया गया, 2022 में दिया गया, 2020 का किसको दिया गया, आशा पारेख को, हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री है आशा पारेख को यह दिया गया है, और यह दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाली सातवीं महिला आशा पारेख है। और आशा पारेख क्या है कि जैसे कट्टी पतंग वगैरह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया, किसने दिया, राष्ट्रपति ने दिया, द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार आशा पारेख को प्रदान किया सितंबर 2022 में। और इसमें क्या दिया जाता है, 10,00,000 तो नगद दिया जाता है प्लस एक स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल का चिन्ह प्रदान किया जाता है। अब आशा पारेख की बात करें तो इनको 1992 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 1992 में पद्मश्री भी उनको मिल चुका है, और 1998 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट की ये क्या है कि अध्यक्ष भी रह चुकी है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड की ये अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ये इसके बारे में पढ़ने बात की। एक रमन मेक्स के पुरस्कार है, रमन मेक्स के पुरस्कार जिसको एशिया का नोबल भी कहा जाता है, और फिलीपींस के थे जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर यह रमन मेक्स के पुरस्कार दिया जाता है, और यह एशिया का नोबल कहलाता है। परंतु इसमें क्या है कि चार लोगों को नामित किया गया था, चार लोगों को ये जो है पुरस्कार घोषणा करने की, यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई, परंतु भारत के एक थे तो के शैलजा ने इस पुरस्कार को लेने के लिए मना कर दिया कि इनको यह पुरस्कार किसके लिए दिया जा रहा था, कि कोरोना के टाइम में ये सीपीआईएम के नेता है के शैलजा
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्या है कि सीपीआईएम के ये है नेता है और ये केरल सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी थी 2019 में। तो कोरोना के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार को इनको के शैलजा को देने की घोषणा की गई, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि यह पुरस्कार है वो सबके लिए सामूहिक प्रयास का फल था, जो भी कार्य हुआ वो सामूहिक हुआ। तो फिर कहा कि मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से अकेले जिम्मेदार नहीं हूं, तो इसलिए इस बात को लेकर के इन्होंने रमन मैक्स के पुरस्कार के लिए मना कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है बात है। एक और है डॉक्टर स्वाति पारिमल, ये उद्योगपति है, डॉक्टर स्वाति पीरामल। इनको क्या है कि फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है, ये उद्योगपति है, ध्यान रखना, इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार से इसको इनको नवाजा गया है। आगे पर और अपन बात करें तो नियुक्ति के बारे में अगर बात करते हैं, ये पुरस्कार की बात होगी, तीन ही पुरस्कार इंपॉर्टेंट थे सितंबर माह में। अगर नियुक्ति की बात अगर करते हैं तो आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी इनको क्या बनाया गया कि भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। तो ये क्या है कि 15वें अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं कि ये कानून का सर्वोच्च पद है, ये भारत में विधि का सर्वोच्च पद है, विधि का या विधि अधिकारी कह सकते हैं, भारत में विधि अधिकारी यानी कानून के लेवल में सर्वोच्च अधिकारी है, वो क्या है, ये पद है। और कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद क्षेत्र में है, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। और भारत के जो प्रथम थे वो कौन थे, अटॉर्नी जनरल, वो थे प्रथम शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ थे जो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे, और आर वेंकटरमणी 15वें अटॉर्नी जनरल है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब एक सीडीएस के बारे में अगले बात कर लेते हैं, दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको कहते हैं। प्रथम तो थे विपिन रावत जनरल, विपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो चुका है। और उसके बाद में दूसरे सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है, वो है अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, जो कि गोरखा बटालियन से संबंधित रहे हैं। इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल विपिन रावत को क्या है कि भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। सीडीएस क्यों नियुक्त किया गया कि तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए सीडीएस नियुक्त किया गया, और एक शेतकर समिति बनाई गई थी सीडीएस के लिए, शेतकर समिति की सिफारिश पर सबसे पहले जो ये फर्स्ट है, जनरल विपिन रावत को शेतकर समिति की सिफारिश पर कब इनको नियुक्त किया गया, 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले इनको नियुक्त किया गया। और सेकंड क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है सीडीएस, भारत के सीडीएस है, जो कि तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय में भागीदारी देते हैं।
आगे अपन खेल की बात करते हैं, तो खेल में क्या इंपॉर्टेंट है, खेल में ज्यादातर बस क्रिकेटर और क्रिकेट वगैरह उनका कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ज्यादातर यही पूछा जाता है, अधिक से अधिक पूछे तो कौन से स्टेट से आता है ये पूछ लिया जाता है। तो खेलों में अगर बात करें तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक का खिलाड़ी है, भाला फेंक जेविलियन थ्रो जिसको बोलते हैं, उसमें ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये कहां के रहने वाले हैं, हरियाणा के, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक और स्वर्ण पदक जीत के लाए है, कोई कोई उनकी विश्व की कोई कोई चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता अभी कौन से में कौन सा पदक जीत के लाए, ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, अपने को इतना ही याद रखना है लगभग, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है। एक और बात करें खिलाड़ी की, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है और भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है ये, और वर्ल्ड के नंबर थर्ड खिलाड़ी है फुटबॉल के अंतर्गत, ये अपने को ध्यान में रखना है। और कहां के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे अपन बात करें तो झूलन गोस्वामी, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, तो अपने को इतना याद रखना है क्रिकेट से संन्यास, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, भारत के लिए खेलते थे और क्रिकेट से संन्यास लिए, सबसे ज्यादा विकेट इसी इन्हीं के नाम है, विकेट सबसे अधिक अधिक विकेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये गेंदबाज थी और इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया है। आगे अपन बात करते हैं एशिया कप, एशिया कप क्रिकेट हुआ है अभी, एशिया कप क्रिकेट हुआ है जिसे महिला और पुरुष दोनों का हुआ है, तो पुरुष में भारत पहले इसमें बाहर हो गया था, श्रीलंका जीता है, श्रीलंका विजेता और हराया किसको, पाकिस्तान को, ये ध्यान में रखना है। और महिला के अंदर ये अक्टूबर माह में संपन्न हुई है महिला वाली, और इसमें कौन जीता है, भारत जीता है, इसमें भारत जीता है एशिया कप है, जो है एशिया कप 2022 2020, तो इसमें ये अपने को ध्यान में रखना है। एक अपना और ध्यान में रखना है, छिहत्तरवें ग्रैंड मास्टर, छिहत्तरवें भारत के छिहत्तरवें ग्रैंड मास्टर ये किससे संबंधित होता है, शतरंज से, और इसके अंतर्गत कौन बने हैं, परवण आनंद बने हैं बेंगलुरु के, कौन बने हैं, परवण आनंद बेंगलुरु के, बेंगलुरु के ये इसके अंतर्गत बने हैं। आगे दिवस में अगर बात करें, खेल में इतना ही बस, बड़ी बड़ी बातें इंपॉर्टेंट यही है, भारत से संबंधित जो खिलाड़ी है उनके बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अपन बात करें तो दिवस की बात करें तो 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कह सकते हैं भारत में, हिंदी दिवस, और कब से मनाना स्टार्ट किया ये, 1953 को, और 14 सितंबर 1949 को क्या है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो कब किया गया, अनुच्छेद 343 क्लोज एक के तहत, कि भारत की जो भाषा है वो हिंदी होगी और इसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का प्रयोग। आगे अपन बात करते हैं तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1953 से हिंदी दिवस की शुरुआत की गई और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसलिए ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक भारत और जापान के मध्य युद्धाभ्यास हुआ, भारत जापान युद्धाभ्यास, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है
जिमेक्स, सिर्फ इतना ही याद रखना है, जिमेक्स किनके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच हुआ, इसके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और एक यूएसए के पूर्व, यूएसएसआर, यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ जिसको आज रूस कहते हैं, इसके पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति मिथाइल गोर्बाचोव का निधन हो चुका है, निधन हो चुका है। इन्होंने रूस के अंतर्गत क्या है कि दो नीति ली थी, मिखाइल, मिखाइल है ये, मिखाइल, मिखाइल गोर्बाचोव, इन्होंने दो नीति नीति लागू की थी। एक तो खुलेपन की नीति लागू की थी, खुलेपन की, और एक इन्होंने परिवर्तन की नीति लागू की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो सितंबर माह के माह का जो करंट है वो यही बातें इंपॉर्टेंट थी, मुख्य मुख्य बातों को समेटने का प्रयास किया है, और वही बातें अपने को याद रखनी है, और उसी को ध्यान में रख करके बार बार उसका रिवीजन करना है। पूरे सितंबर माह का करंट है अपन एक दृष्टि से कंप्लीट है, हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।